हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिनगेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड हो रहा है जिसमें आर्मी लोग क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एन आर्मी कॉन्टिंगेंट लिखा हुआ है ऑफ 616 मेंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आर्मी का टुकड़ा है 616 मेंबर्स का। ठीक है, कितने मेंबर्स का है, 616 मेंबर्स का, और एक आर्मी बैंड वाला है। ठीक है, एक आर्मी बैंड वाला है, ये है 32 मेंबर्स का। तो हम लोग को निकालना क्या हुआ, ये दो ग्रुप हो गया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आपस में जो है वो परेड कर रहे हैं। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है जो कि ये मार्च कर रहे हो। तो क्वेश्चन को देखिए, आप बनाने का बहुत ही इजीली आप यहां से बना सकते हैं। यहां पे लिखा गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जब भी मैक्सिमम रहे, ग्रेटेस्ट रहे, हाइस्ट रहे, तो इसके लिए हम लोग एस सी एफ फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए एस सी एफ फाइंड करते हैं। तो ये तो है कि आप आसानी से मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या फिर हाइस्ट देख के एस सी एफ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन समझना है हम लोग क्यों एस सी एफ फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन आखिर क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले समझेंगे, इसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्यों हम एस सी एफ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ये 32 मेंबर्स का है, हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स इसको बोला जाता है, इसको। ठीक है, ये पहला कॉलम, अगर ऐसे रहेगा तो ये दूसरा कॉलम, ऐसे हुआ तो ये तीसरा कॉलम। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉलम। अच्छा, रो किसको बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, इसको कॉलम बोला जाता है, इसको रो बोला जाता है। तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। ठीक है, इसका और इसका, ये दोनों को मिला के, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे 616 को। पहले हम लोग अभी ये जो 32 लिखा गया यहाँ पे, इसके बारे में समझते हैं, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ हम लोग कॉलम्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग अगर नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए बोला जाए, तो देखिए यहाँ पे 32 मेंबर्स है, तो इस तरह से अगर हम लोग आर्मी के जो भी मेंबर्स है, ये इसको हम लोग 32 इस तरह से लगा देंगे, तो ये कितने कॉलम होंगे, टोटल एक कॉलम होंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से तो भर ही जाएगा। अब अगर हम लोग इसको दो भाग में बांटे, ऐसे करके एक दो, दो भाग में बांट रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग करते जाए तो ये भी पूरा भर जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है 32। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 का कॉलम बनाए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 का कॉलम बना रहे, 1 2 3, तो ये 32 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये जो 3 है इस तरह से भरेगा भरेगा भरेगा, लास्ट में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे या तो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। ये पूरी तरह से फील होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरह से फील होना चाहिए। तो ये जिसका भी टेबल में 32 आता है, 4 का टेबल में आता है, तो ये पूरी तरह से फील हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरा चारों में फील होगा। और जिसका टेबल में नहीं आता है, जैसे 5 का टेबल में ये नहीं आता है, तो ये पूरी तरह से फील नहीं होगा। यहाँ पे 5 तक इस तरह जाएंगे, पता चलेगा यहाँ तक रुका, इधर 3 खाली हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कि किससे 32 डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर से 32 डिवाइड होगा वो पूरी तरह से कॉलम जो होगा वो जो है वो फिल हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, बड़ा से बड़ा संख्या। फिल तो 1 से भी हो रहा था, 2 से भी हो रहा था, 4 से भी हो रहा था, 8 से भी हो जाएगा, 16 से भी होगा, 32 से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है जिससे कि 32 भी फिल हो जाए और 616 भी फिल हो जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम लोग डिवाइड इसमें क्यों करते हैं और एलसीएम क्यों निकालते हैं, एससीएफ क्यों निकालते हैं। अगर ये मान के चले ये 4 से डिविजिबल है, पूरी तरह से ये 4 से डिविजिबल है, और 4 से ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये दोनों का क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो सकता है, लेकिन हमको मैक्सिमम निकालना है। अगर ये 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, और इसके बाद कोई ऐसा बड़ा संख्या नहीं है
जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा, तो क्या होगा, यही हमारा 8 आंसर हो जाएगा। अगर 16 ये वाला तो पूरी तरह से 16 डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये पूरी तरह 16 से डिविजिबल बाय द वे नहीं हुआ, ठीक है। अगर हो गया तो 16 बड़ा से बड़ा मैक्सिमम नंबर वही होगा, नहीं हुआ तो फिर 16 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर लेते हैं जो कि दोनों से डिवाइड हो, दोनों से डिविजिबल, दोनों डिविजिबल हो जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। इसीलिए हम लोग एच सी एफ निकालते हैं मैक्सिमम नंबर के लिए, या फिर ग्रेटेस्ट हो या फिर हाइस्ट हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग को निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच व्हिच दे कैन मास। तो हम लोग यहाँ पे यही वाला टर्म लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच कैन मार्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस सी एफ निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस सी एफ ऑफ 616 और 32, ये दोनों का हम लोग एस सी एफ निकाल रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, एस सी एफ किस मेथड से निकालेंगे, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड सीखे हुए हैं। ऐसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड ही यूज करें ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं थोड़ा सा आपका लंबा भी आंसर आ सकता है, हम लोग को टाइम बचाना रहता है एग्जाम में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी एस सी एफ निकालते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से। तो यहाँ से 1 टाइम्स में कितना होगा, 32, 2 टाइम्स में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये घटाएं तो 9 हो गया, इसको इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर से ला गया तो यहाँ 5 बचा, 5 में 3 घटाएं तो 2 हो गया, ये 6 बच गया यहाँ पे। अब फिर 32 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 32 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने बार में आ रहा है, 5 बार में करके देखते हैं 160 आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम है। 8 बार में करके देखते हैं, 8 टू जै 16 1 बच गया, 8 से 24 और 25, तो 8 बार में इतना आ रहा है। एक बार 9 बार में भी हम लोग करके देख लेते हैं कि 9 बार में कितना आ रहा है, 8 बार में 256 आ रहा था, 9 बार में करके देखते हैं, 9 टू जै 18 1 बच गया, 9 जै 27 और 1 28 इतना आ रहा है, यानी 288। तो हम लोग यहाँ पे 9 बार में दे देते हैं, 9 टू जै 18 का 8 1 बच गया, 9 जै 27 और 1 288, इसको घटा ले, 16 में 8 गया 8, 8 में 8 घटा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये वाला जो 32 होता है यहाँ पे उतरता है, तो अब 8 फोर जा 32, ये पूरी तरह से कैंसिल, यानी एस सी एफ कितना निकला हमारा, 8 निकल गया, तो ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ से एस सी एफ निकाल लिए, हमारा जो भी एस सी एफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका जो भी एक लैंग्वेज होता है आप यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं, 616, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए पहले, 32 गुना 19, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे 8 बच गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ 32 है, यहाँ 32 लिख लिए, अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई किए तो 32 आ गया, रिमाइंडर 0 बच गया। बस इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेना है। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ही कंप्लीट किया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।